तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं आज गुना टेकरी सरकार पर, टेकरी सरकार के दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ हम उधर की फसलों को देखते हुए कि उधर मक्के में कैसा क्या रेवेन्यू आ रहा है देखते हुए जा रहे थे। हम चार लोग थे, मैं, मेरी जीजाजी और मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, हम चार लोग थे। हम दोनों बाइकों से जा रहे थे तो हम देखते हुए जा रहे हैं। देखो हाँ, इधर ये क्या सामने का नज़ारा कितना मस्त है। ये ढाबे आबे ये देखते हुए, ये देखो तालाब है बूढ़ा डोंगर का, ये मस्त तालाब है, ये बहुत भरा हुआ है। इधर से तो हमको बारिश बिल्कुल भी नहीं मिला था, ये बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश है नहीं है। ये बूढ़ा डोंगर का तालाब है, ये भरा हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ है। और इसको देखते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हुए जा रहे हैं कि आगे कैसा क्या चल रहा है देखते हुए। इधर को ये गुरुद्वारा साहिब का है, टेकरी है, इधर ये बहुत सारा जंगल है, यहाँ पे सागुन के पेड़ लगे हुए हैं। देखते हुए निकल रहे हैं कैसा क्या है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा, अब यहाँ से निकलने के लिए सीधे सीधे जा रहे हैं। जाते जाते हुए देखते जा रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है क्या नहीं। ये देखो सामने भूसा भूसा, ये सामने जा रहे हैं लोग, हम लोग बाइक से। तो ये देखो सामने का क्या मस्त नज़ारा, मस्त धूप है नहीं है, बढ़िया शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोपहर का 12 बज रहे हैं अभी, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि ज़्यादा टाइम हुआ हो।
क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत भयंकर भयानक भीड़ रहती है। तो इसी के साथ हम लोग चढ़ते हुए ऊपर चढ़ाई करते हुए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकले थे, जब से कहीं ब्रेक नहीं लिया था, तो गाड़ी गर्म हो चुकी थी और गाड़ी इसी के साथ मौसम नहीं बना रही थी। अब ये है ना हमारी TVS, ये तो बिल्कुल भी ऐसे गर्म हो गई थी जैसे ये तो जाने वाली है, लेकिन धीरे धीरे टेकरी सरकार की कृपा से चढ़ती गई। लेकिन हमें हमारी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से गुना का नज़ारा नीचे को देखो, गुना हम बहुत ऊँचे पर टेकरी पर आ चुके हैं, सामने जा रहे हैं। देखो अब ये मेरा बाइक, ये सीधा बाइक चढ़ाएगा सीधा, यहाँ से बिल्कुल भी टर्न नहीं लेता है ये, डायरेक्ट वैसे ही बेचारी गाड़ी गर्म हुई पड़ी है और सीधा गाड़ी को चढ़ा रहा है। देखते हैं अब ये गाड़ी बहुत खतरनाक गाड़ी है, यहाँ पर अच्छी अच्छी बाइकें रह रही थी। अब इसी के साथ ये लास्ट गाड़ी है, यहाँ से ऊपर हम मंदिर पर प्रवेश कर जाएंगे, तो मंदिर पर जाने से पहले ये गाड़ी पड़ेगी, गाड़ी पर चढ़ाते हैं। देखो ये गाड़ी आराम आराम से स्लो हो गई, क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी ने मौसम नहीं पकड़ा था, इसलिए ये देखो फिर भी चढ़ गई बेचारी, चढ़ तो गई है लेकिन रोते हुए चलो जा रही है गाड़ी हमारी। घाटी तो चढ़ चुकी है, अब आगे पार्किंग में बाइकों को खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद फिर भगवानी दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर दोबारा से रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। तो आगे मैंने तो बाइक लगा दी थी, अब ये आ रहा है नरेंद्र, ये लगाएगा पीछे से बाइक हमारे साथ में। ये देखो कितने, आज मंगलवार है ना, तो भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ कितना मस्त नज़ारा है। यहाँ पहुँचते ही एक ही चीज़ जैन में आती है, बोलो टेकरी सरकार की जय। तो हम निकल गए आगे के लिए, अब जाते हैं मंदिर पर। अब यहाँ से कुछ सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ से मंदिर का बजरघंट बजाएंगे, बजरघंट ये देखो बढ़िया मस्त बजरघंट बजाते हुए ही मेरा ये जीजा जी, देखो बज गया बजरघंट, क्या हो, ये हमारा भांजा है छोटा, ये जाता हुआ जा रहे हैं बजरघंट ऊपर को चढ़ते हुए। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये जो बैठी है ना, आप समझ रहे होंगे कौन बैठा है, ये सिर्फ रील्स फोटो के लिए यहाँ पे आते हैं बस। हर एक के मोबाइल में कैमरा तना हुआ है। जा रहे हैं हम लोग ऊपर को अच्छे से, तो यहाँ से निकलना है, निकलते हुए जा रहे हैं ऊपर को जाते हुए। अब देखते हैं आगे का कैसा क्या सीन है यहाँ पे। अब जा रहे हैं हम यहाँ पे 5-6 बार और पहले शायद घूम आए हैं, लेकिन अभी तो हम कल हमारा अचानक से प्लान बन चुका था, क्योंकि हम लोग गए थे कुएं में नहाने के लिए, तो कुएं में कूदते प्लान बन गया कि चलो टेकरी सरकार चलते हैं, तो निकल लिए टेकरी सरकार के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आए, अभी हाथ मुँह धोने के बाद ऊपर मंदिर पर जाएंगे, अभी तो हाथ मुँह धोने के लिए। ये देखो भीड़ कितनी खतरनाक भीड़ है, क्योंकि मंगलवार है, यहाँ पर ट्यूसडे के दिन बहुत लोग आते हैं बहुत दूर से, क्योंकि ये टेकरी सरकार प्रसिद्ध गुना का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर चलते हुए ऊपर को जा रहे हैं, अभी हाथ धोते हैं हम लोग, हाथ धोने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बात तो है, सुकून मिलता है पहुँच के, बस और कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे मंदिर में सुकून मिलता है, यहाँ पे बैठने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि आने को मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करें, चलो ठीक है, दर्शन कर लिए काफ़ी है, जाएंगे कभी और बाबा की कृपा होगी बुलाएगा, जाने की कोशिश करेंगे, जाएंगे ऐसे ही प्लान बनाता रहे बाबा, बस तो जाते रहेंगे। ये मंदिर पर चढ़ चुके हैं हम लोग, मंदिर पर देखो कितनी भीड़ है। अब यहाँ पर टेकरी सरकार की खासी बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर प्रशासन ने रील्स बनाना बंद करवा दिया है, तो इससे बहुत 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 सुकून मिला है। देखो मंदिर के आगे की भीड़, ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर